हक को बातिल का अंदेशा करने वाले एले हक नहीं हो सकते। लालच इंसान को अंधा कर देता है और जिल्ला तो ख्वारी के समंदर में फंस जाता है। दीन को इतना नुकसान शैतान नहीं पहुंचाता जितना लालची आलम से पहुंचता है। अल्लाह का दोस्त वही है जिसकी आंख हर वक्त अश्कबार हो। जो औलिया अल्लाह की सोहबत में दाखिल हुआ वो अल्लाह की मोहब्बत में दाखिल हो गया। सफ़र की 5 किस्में हैं। अव्वल कदमों से सफ़र करना, दोम कलब से सफ़र करना, सोम हिम्मत से सफ़र करना, चहारम दीदार के ज़रिए सफ़र करना, पंजम किनायत नफ्स के साथ सफ़र करना। जो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखे अल्लाह ताला इसकी गैब से मदद फरमाता है। नमाज पढ़ो और वालिदा की खुशी का ख्याल रखो कि यही रहमत हक है। उब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावेदार वही है जो मखलूक खुदा से शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आए। वसाल खुदावंदी का हकदार वो है जो अपने नफ्स से पाक हो और इसके कलम में सिर्फ अल्लाह हो। खुदा अपने महबूब बंदों को इस मकाम पर रखता है जहां मखलूक की रसाई नहीं हो सकती। दुनिया में इससे ज़्यादा सख्त कोई चीज़ नहीं कि तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी हो। मुकद्दर पर शाकिर रहना 1000 मकबूल इबादत से बेहतर है। नमाज और रोज़े अच्छे आमाल हैं मगर हसद और गरूर दिल से ख़त्म कर देना इससे भी बेहतर है। अल्लाह ताला के जिक्र से दिल की खेती हरी भरी रहती है। मुझे ये गवारा है कि मैं दुनिया से कर्ज़दार हो जाऊं और कयामत के रोज़ कर्ज़दार मेरा दामन खींचे, लेकिन ये गवारा नहीं कि कोई साहिल मुझसे सवाल करे और उसे मैं रद्द कर दूं।